हाय गाइस, आज हम बनाएंगे नींबू का खट्टा मीठा अचार। बहुत टेस्टी बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। इसके लिए 6 किलो मैंने नींबू लिए हैं। इन्हें कट कर लेंगे ऐसे 2 पीसेस में, फिर दूसरे हिस्से को पकड़ के ऐसे एक नींबू के हम 4 पीसेस कर लेंगे। ऐसे हम इसके अच्छे से कटिंग कर लेंगे। खड़े मसाले लिए हैं, जिनमें हैं अजवाइन 250 ग्राम, सौंफ 250 ग्राम, जीरा 100 ग्राम और साबुत धनिया 100 ग्राम। और खड़े मसाले भी हैं, जिनमें हैं काली मिर्ची 150 ग्राम और लौंग 100 ग्राम और बड़ी इलायची 7 और सिनेमन स्टिक 2 और लौंग पेपर पीपल भी बोलते हैं 12 से 13। ये सभी स्पाइसेस को हम ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड कर लेंगे। और शुगर ली है 2 kg। सभी ड्राई स्पाइसेस को हमने ग्राइंड कर लिया है। और इधर नींबू हमने गैस पे रख दिए हैं और फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब इसमें जो होल मसाले हैं ना, जो हमने ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड किए थे, वो डाल देंगे। और इसके साथ ही हम शुगर ऐड कर देंगे। क्वांटिटी मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। और नमक ऐड कर देंगे, क्योंकि ये हमारा जो अचार है ना, खट्टा मीठा बनेगा तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब इसे हम कुक करते जाएंगे और इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहना है। और 15 मिनट्स के लिए इसे हाई फ्लेम पे हम कुक करेंगे। फिफ्टीन मिनट्स के बाद फ्लेम को लो पे कर देंगे और इसे 10 मिनट्स और कुक करेंगे, ताकि अच्छे से ये अंदर तक सारे मसाले जो अपना जूसेस हैं वो रिलीज़ करेंगे, तो इसके साथ मिक्स हो जाए अचार के साथ। ये लीजिए, हमारा अचार बिल्कुल रेडी है। इसे आप धूप में रख सकते हैं 1-2 दिन के लिए, बिल्कुल परफेक्टली रेडी होगा। ये अचार की रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।